हेलो स्टूडेंट, एमबी इंटरनेशनल स्कूल से मैं रेणु शर्मा आज आपको आपके हिंदी फर्स्ट में पार्ट 3 मीठा झगड़ा नामक पार्ट पढ़ाऊंगी। बच्चों, एक कविता है जिसमें कुछ मिठाइयाँ आपस में मिलकर मीठा सा झगड़ा कर रही हैं। देखिए, मीठा झगड़ा, जैसा कि बच्चों हमें नाम से पता पड़ रहा है, मीठा झगड़ा ही मिठाइयों के बीच का झगड़ा है। इसमें कुछ मिठाइयाँ, मिठाइयों के नाम आएंगे, जलेबी, रबड़ी और रसगुल्ला। ये आपस में मिलकर झगड़ा कर रही है एक दूसरे से कि मैं बड़ा। देखिए इस पाठ कविता के माध्यम से कि कौन बड़ा है, वो किस प्रकार का मीठा झगड़ा कर रहे हैं। अकड़ के बोली गोल जलेबी, मुझसा कौन रसीला, मुझको चाहे सारी दुनिया, गांव शहर कबीला। अकड़ के घमंड में, बहुत ही ज़्यादा घमंड में बोली, वो कौन बोली? जलेबी। मुझसा कौन रसीला, रसीला मतलब रस भरी होती है ना जलेबी, रस भरी, उसके अंदर चाशनी भरी हुई होती है। तो घमंड में जलेबी बोलती है कि मुझ जैसा कौन रसीला है, कौन सी ऐसी मिठाई है मुझ जैसी रस भरी हो। मुझको चाहे सारी दुनिया, मुझको तो क्या है, सारी दुनिया ही पसंद करती है। कौन ऐसा व्यक्ति जो मुझे पसंद नहीं करता है, चाहे वो गांव हो, चाहे शहर हो, चाहे कबीला हो। यहाँ पर कबीला शब्द आया बच्चों, कबीले का अर्थ होता है कोई विशेष जाति के लोग, जब समूह बनाकर रहते हैं ना, एक समाज बना रहता है, उनका समूह बनता है, तो उसको बोलते हैं कबीला। तो यहाँ पर जलेबी की हो गई। अब देखते हैं हम, अब दूसरी मिठाई क्या बोल रही है। रबड़ी बोली चुप हो जाओ, मुझको क्या बतलाती, मुझको पाकर सारी दुनिया बर्तन चटकर जाती। अब देखो, जो रबड़ी है वो अपने आप को और ही ज्यादा ऊंचा उठाने की कोशिश कर रही है कि तुम तो कुछ नहीं हो, तुमसे भी बढ़कर मैं हूं, कि मुझे कितना लोग पसंद करते हैं। रबड़ी बोली कि तुम चुप हो जाओ। किससे बोल रही है रबड़ी? जलेबी से बोल रही है कि तुम चुप हो जाओ, मुझको क्या बतलाती हो, मुझको क्या बता रही हो कि तुम कितनी रसीली हो या कैसी हो, तुम पहले मेरी बात सुनो। मुझको पाकर सारी दुनिया, जब लोग मुझे खाते हैं ना, मुझे किसी बर्तन में लेकर खाते हैं, तो बर्तन तक चट कर जाते हैं, पूरा बर्तन साफ कर देते हैं, मुझे लोग इतना पसंद करते हैं, इसलिए तुम चुप हो जाओ, मैं बड़ी हूं तुमसे। रसगुल्ले ने देखा सबको। अब तीसरी मिठाई कौन है? रसगुल्ला। इन दोनों की लड़ाई को सुन रहा था पीछे से। तो रसगुल्ले ने देखा सबको, हल्की सी मुस्कान भरी, मुझे चाहते राजा रानी, बच्चे बूढ़े और परी। अब रसगुल्ला क्या बोलता है कि उसने उन दोनों का झगड़ा देखा और चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई, और वो बोलता है कि मुझे तो राजा हो या रानी हो, बच्चे हो, बूढ़े हो या परियां हो, मुझे तो सभी पसंद करते हैं, इसलिए तुम दोनों से भी बड़ा मैं हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग मुझे ही पसंद करते हैं। दूध बीच में आकर बोला, मत अब करो बड़ाई, मेरे ही कारण तुम सबने अपनी शान बढ़ाई। इन सबका झगड़ा सुनकर के बीच में कौन आया? दूध। वहां पास में खड़ा होकर उनकी बातें सुन रहा था, तो वहां पर आकर दूध बोलता है कि तुम बड़ाई, तारीफ, बड़ाई मतलब तारीफ, अपनी खुद की तारीफ मत करो, तुम अपने मुंह मियां मिट्ठू मत हो, मियां मिट्ठू होना मतलब अपनी खुद की तारीफ करना, तो मेरे ही कारण मतलब दूध के कारण ही तुम सबने, जो तुम्हारी शान है ना, जो तुम अपनी शान बढ़ा रहे हो कि मैं बड़ा हूँ, मुझे ये लोग पसंद करते हैं या मुझे बड़े बूढ़े बच्चे, तो तुम्हारी शान है वो मेरे ही कारण है। अब क्या बता रहा है कि कैसे उसकी शान है, बता रहा है दूध, मेरे घी में तली जली। बच्चों, आपको पता है घी किससे बनता है? सभी चीजें जो होती है वो दूध से निर्मित होती है, अधिकतर मिठाइयां हैं, दूध, दही, जो घी है वो दूध से ही बनाया जाता है। तो मेरे घी में तली जलेबी, जलेबी को हम क्या है, इसमें तलते हैं, देशी घी में, घी में तलकर ही बनाते हैं। मुझसे बनती रबड़ी, रबड़ी को भी हम दूध को भी उबालते हैं, वो बिल्कुल गाढ़ा कर लेते हैं, जब वो गाढ़ा बन जाता है, रबड़ी बन जाती, तो रबड़ी भी दूध से ही बनाई जाती है। मुझसे बने छेना रसगुल्ला, और मुझसे ही छेना क्या होता है बच्चों, दूध को फाड़ देते हैं, फाड़ करके उसे जो बनाया जाता है उसको बोलते हैं छेना, उस छेने से ही रसगुल्ला बनाया जाता है। तो मुझसे बने छेना और रसगुल्ला, क्यों डींग हाकता तगड़ी, क्यों डींगे, झूठी तारीफ करता, तगड़ी मतलब मजबूत, तुम झूठी क्यों इतनी बड़ी बड़ी तारीफें
कर रहे हो, तुम तीनों तो मेरे से ही बनी हो, अगर मैं नहीं हूं तो तुम तो किसी तुम तो अधूरे हो, तुम तो बन ही नहीं सकते हो। अब क्या बोल रहा है दूध आगे, मैं हूं पिता तुम्हारा, सब मुझको करो प्रणाम, मिलकर रहना भाई बहनों, जाओ अब करो आराम। अंत में क्या समझा रहा है दूध कि मैं तुम्हारा पिता हूं, क्यों? क्योंकि तुम तीनों हो, मेरे बिना अधूरे हो, मुझसे ही बनाए गए हो। तो जो हमारा जन्मदाता होता है, जिसे हम बनते हैं, वही तो हमारा पिता होता है, वही हमारा जनक माना जाता है, जनक अर्थात पिता। तो मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम सब मुझको प्रणाम करो, मैं तुमसे बड़ा हूँ, तुम्हारा जन्मदाता हूँ, तुम मुझे प्रणाम करो। अब मेरे से बने हो तो इस रिश्ते से तुम हो गए भाई बहन, तो मिलकर रहना भाई बहनों, तुम आपस में हमेशा भाई बहनों की तरह ही मिलकर रहना, कभी भी झगड़ा मत करना, अब जाओ अब करो आराम, अब तुम जा करके आराम करो, अब तुम कभी नहीं लड़ो। बच्चे इस पार्ट से हमें सीख भी मिलती है कि हमें कभी भी आपस में लड़ाई नहीं करनी चाहिए। जो हमारे बड़े हैं, जो हमारे जन्मदाता है, जिससे हमें जन्म मिला है, उनका हमें आदर सम्मान करना चाहिए और सबके साथ मिलकर रहना चाहिए। थैंक यू।